गौरव वर्मा जी और जगतापुर की सभा में मंडल अध्यक्ष लल्लूराम शुक्ला जी, सेक्टर प्रमुख कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी, बूथ अध्यक्ष रामानंद पांडे जी, बूथ अध्यक्ष प्रमोद अवस्थी जी, ग्राम प्रधान ब्रजभूषण मिश्रा जी, आदरणीय भाई रोहित अवस्थी जी, आदरणीय श्री उदयाल त्रिपाठी जी, किशोरी लाल गुप्ता जी, पवन तिवारी जी, रंगीलाल निषाद जी, पूर्व प्रधान राम आश्रय भास्कर जी, राम पलटन पांडे जी, जगदीश भक्त सिंह जी, तीरथ राम साहू जी, माधोराज तिवारी जी, ईश्वर दीन भास्कर जी, मंगल यादव जी और सभी सम्मानित भाइयों, माताओं, बहनों और बच्चों, 2014 में क्या हो गया है? अगले अच्छा ठीक गाड़ी है 2014 में आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उसके पहले 30 साल तक किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। सरकार बनी थी लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। और पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब है मजबूत सरकार। और मजबूत सरकार जब होती है तो कुछ कड़े फैसले करती है। जैसे डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन करता है तो बड़ी तकलीफ होती है उस समय, यहां तक कि इंजेक्शन देख करके भी डर लगता है, बच्चे रोने लगते हैं। लेकिन बच्चा ठीक हो जाए, मरीज ठीक हो जाए तो इसलिए डॉक्टर उस समय का दर्द नहीं देखता है, डॉक्टर परिणाम देखता है कि इससे हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। तो ये निर्णय मजबूत सरकार ले सकती है, पूर्ण बहुमत की सरकार ले सकती है, कमजोर सरकार नहीं ले सकती है। आपकी कृपा से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो पहली प्रतिज्ञा की कि हम हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, यानी पहली प्रतिज्ञा उन्होंने जो लिया वो गांव गरीब को समर्पित है। इनकी जिंदगी में कैसे अच्छा दिन आए इस बात की उन्होंने प्रतिज्ञा किया। और दूसरा प्रतिज्ञा उन्होंने किया सबका साथ और सबका विकास, कि मजहब के आधार पर, जात के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। जो कमजोर है, जो गरीब है, हर गरीब को मदद की जरूरत है, हर कमजोर की मदद की जरूरत है। हिंदू अगर गरीब है तो उसको भी मदद की जरूरत है, मुसलमान अगर गरीब है तो उसको भी मदद की जरूरत है, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और तीसरा उन्होंने शपथ लिया ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये दो तीन बातों को उन्होंने शुरू से शपथ लिया कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। आज आवास, बिजली, गैस और अन्य अन्य सुविधाएं बहुत, वो गिनाने का समय नहीं है, इतना इतना किया है कि जो कोई सोच नहीं सकता था। पहले गरीब आदमी ये समझता था कि ये गैस का चूल्हा जो है ये केवल बड़े लोगों का ही होना चाहिए, उनकी दवाई का इंतजाम होना चाहिए, उनकी पेंशन का इंतजाम होना चाहिए। खेतीबाड़ी किसान अभी तक अनुमान के आधार पर
बोने का काम करता है कि उस खेत में धान बहुत अच्छा होता है इसलिए धान बैठा दिया जाए, उस खेत में अरहर बहुत अच्छी होती है अरहर लगा दिया जाए, उस खेत में आलू बहुत अच्छा होता है आलू लगा दिया जाए अनुमान के आधार पर। पहली बार मोदी जी ने कहा कि हर किसान को यह जानना चाहिए कि हमारे खेत में किस चीज की कमी है और किस खाद को डालना चाहिए किस खाद को नहीं डालना चाहिए। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है छोटी छोटी चीज। आज भारत का प्रधानमंत्री कहता है बच्चों से कि आपको हाथ धोकर के खाना खाना चाहिए। मेरे मित्रों ऐसा प्रधानमंत्री कहां मिलेगा, ऐसा प्रधानमंत्री कहां मिलेगा जो हमारे बच्चों से कहता है कि हाथ धो करके खाना खाना चाहिए। आपको बीमारी से बचने के लिए अपना दरवाजा साफ रखना चाहिए। भाइयों ऐसा महापुरुष जो केवल 4 घंटे सोता हो 5 घंटे सोता हो 18 घंटे गांव की चिंता करता हो गरीबों की चिंता करता हो कि इनकी जिंदगी में कैसे सुधार आए, ऐसे प्रधानमंत्री को लोग हटाना चाहते हैं। और हटाना इसलिए चाहते हैं कि उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो आज जितने बड़े बड़े लोग हैं बड़े बेईमान हैं सब इकट्ठा हो रहे हैं, मोदी जी को कैसे हटाया जाए मोदी जी को कैसे रोका जाए इसी का इंतजाम सोच रहे हैं। और ये लोग कौन हैं जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। इनकी विचारधारा एक नहीं है सब दुश्मन है, लेकिन सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि मोदी जी को हटाओ। भाइयों जैसे पहले किसी बेईमान के पास बहुत पैसा हो उसने जनता का लूट रखा हो या कहीं से लूट रखा हो, पहले बेईमान को डर नहीं था क्योंकि कोई ऐसा कानून ही नहीं था या किसी ने प्रयास ही नहीं किया कि बेईमान डरे। आज किसी बेईमान के घर में 2 करोड़ रुपया रखा है चलो रखे रहो, लेकिन वो बेईमान इस बात को जानता है कि जब भी पता चलेगा कि ये 2 करोड़ रुपया मेरे पास रखा है जांच आएगी या कहीं पकड़ जाएगा तो पहले हमें साबित करना पड़ेगा कि ये 2 करोड़ रुपया आपने कहां से कमाया है कैसे कमाया है आपकी आमदनी का जरिया क्या है।